चलो चलो जल्दी चलो, जहाज छूटने वाला है। ए भाई मेरा सामान लेके आओ जल्दी जल्दी जल्दी। ए गुली कहाँ जा रहा है तू? जहाज रवाना होने को ही है, साहब ने मुझे यहीं रुकने के लिए कहा था। कहाँ रह गए मार्क साहब? अब तक आए क्यों नहीं? साहब साहब जल्दी करिए, जहाज जाने वाला है। कम ऑन माधो, कम फास्ट। मिस्टर मार्क, मेरा हिस्सा। कम ऑन कम ऑन। आया आया। क्या चिल्लर पार्टी, तुम्हारा बाप नहीं आया? ए डमरू मूर्ति दे दे। ए इधर आ। चल चल जल्दी आ, चला टाइम खोटी मत कर, बॉक्स ला। लॉलीपॉप। इनको डायबिटीज है, लॉलीपॉप कैसे खाएंगे? तुझे बहुत पैसे मिल चुके हैं, इसे छू सर घर जा। ए, 12 की उम्र में टॉफी छीनने पे भाई को मार दिया, 15 की उम्र में टीचर ने ज्यादा होमवर्क दिया उसको टपका दिया, 30 की उम्र में अपनी छावी को भगाने वाले को दुनिया से भगा दिया, 40 की उम्र में अपने बॉस की जगह लेने वाले को उड़ा दिया। तुम चारों को मारने के लिए 4 सेकंड लगेंगे मुझे। ए, तू मुझे मारेगा? पीछे मुड़ के देख। बच्चे लड़ने के लिए अपने साथ फौज लेके आए? अबे घोचू उधर देख, तुम लोग के लिए 1 मैन आर्मी काफी है। आया नहीं? चश्मा लगा के भी देख नहीं पा रहे क्या? भाई हम तीनों के पास एक ही गन थी, वो भी उसे दे दी। कहीं दारू पीने ना बैठ गया हो। मैं निकलता हूँ, पेट भी गुड़गुड़ हो रही है। मेरे भी हो रही है। जो भी डीलिंग करनी है बॉस से कर लो। लॉलीपॉप बहुत टेस्टी है भाई। ओए। अरे आ गया तुम लोग का बाप आ गया रे। आजा आजा मेरे शेर आजा। सो स्वीट खा रहे। अंदाजा भी है तू कहाँ और किससे बात कर रहा है? सबको गोली से उड़ा दे। अरे ये तो फुल टल्ली है। ए, सिर्फ 2 बुलेट का बजट था, लास्ट वाला जरा। शट अप यू छोटा भीम। इतना है? सब बच गया। अगर मैं नीचे आ गया ना तो तुम सब ऊपर पहुंच जाओगे। मार डाला, हर जगह से तोड़ दिया रे। ए भाई
उठ जा भाई, इन लोगों ने हम लोग को लेटा डाला, तू तो उठ जा। क्या बिड़ू, पिंक ड्रेस में वैलेंटाइन मनाने आया था क्या? अरे डील के लिए सूट वूट पहना था। अरे ये डील भी इस ढोल गवार से ही करवा लेता। ए, गवार बोल दे, ढोल मत बोलना। 5 किलो बाल के नीचे 50 ग्राम भेजा तो होगा ना इसके पास। भेजा और इसमें क्या हुआ? अरे अरे पार्टनर, ये कमाल कैसे हुआ, कैसे हुआ? इसको बोलते अफलातून भेजा। टाइगर की एक आदत है, पहले घात उसके बाद अटैक। मुझ पे ऐसा घात किया कि चार चार फटके खाने पड़े मेरे को। चार मूर्तियों के लिए चार फटके खाने से तो दुबला नहीं हो गया? अरे तेरी तो कमर पिछड़ा जा हो गया, कोई बात नहीं कह रहे। नहीं शिलाजीत खा हो जाएगा। चुप रे। चार पटाने के लिए चार फटके खाने पड़ते हैं, इट्स अ गुड डील। मैंने अपने बिजनेस टारगेट को अचीव करने के लिए हर कंपेटिटर को रास्ते से हटा दिया। इंडिया में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हासिल करने के लिए ना सिर्फ पैसे फेंके बल्कि कईयों के सिर भी उड़ा दिए। बेफिक्र रहिए, अपनी कामयाबी की रफ्तार अपनी कार की रफ्तार से कम नहीं होने दूंगा। आपके पापा कैसे हैं? अब तक कोई इंप्रूवमेंट नहीं। थिंक पॉजिटिव, सब ठीक हो जाएगा। जब से छोटा था उन्होंने मेरी बुरी आदतों से तंग आकर मुझसे बात करना छोड़ दिया। 30 साल से मेरी तरफ देखा तक नहीं। सच कहूं लगता है एक दिन अचानक ही चले जाएंगे बिना मुझसे बात किए। सर, आपके डैडी आपको बुला रहे हैं। मधु बेटा, तुम्हें एक राज बताना चाहता हूं। बोलिए पिताजी। मेरे पिताजी यानी तुम्हारे दादा ब्रिटिश के जमाने में सोनार का काम करते थे। उन्होंने एक अंग्रेज से उसके कुछ हीरे चुरा लिए थे। बाकी नगीनों को गुलाब बाग वाली मंदिर के बाहरी दीवार के पास एक गड्ढा खोद कर छुपा दिया। कई बार मुझसे कहा कि उन्हें निकाल लाऊं, लेकिन मैं हिम्मत नहीं जुटा पाया। मैं यही सब बातें तुमसे कहना चाहता था। बात बनने वाली थी लेकिन ये लोग मुझे बाहर ही खींच लाए। इडियट, एक बार और क्यों नहीं ट्राई करता? हाँ hey, सेक्सी। अभी मूड नहीं है। मुझे देख के भी नहीं। फूल। मुझसे कहा? ऑफ कोर्स। वाओ, नाइस कार। अरे हाँ, पापा ने गिफ्ट की। हैप्पी बर्थडे टू मी। दैट इज सो स्वीट। एक्सक्यूज मी। Come on, what the heck? My car. Hey, hey, this is not your car. Wo, wahan, udhar. Sorry. Sorry. Meri car. So handsome. Nice shirt. Branded coat. Nice I belt like also. लगता है लॉक खराब हो गया। चाबी घुसी नहीं थी। क्यों भाई, डिक्की दिखती नहीं है कि चाबी लगा देते हो? लगा कर। मुझे सुभाष नगर के लिए टैक्सी बुलवा दोगी? टैक्सी में जाने की क्या जरूरत है, 10 रुपए में शेयरिंग ऑटो जाता है। अगर इतनी फिक्र है तो अपनी कार में ड्रॉप कर दो। कार? कार? ओनर आने से पहले इसका नंबर लेना। एक्सक्यूज मी, शायद ये मेरी कार है। तो फिर गाड़ी का नंबर बताओ। जब कार खरीदी थी तो कुछ अच्छा सा नंबर बताया था। तुम अपनी बताओ, तुम्हारे कार नंबर। तुम दोनों लगभग दो क्या?
PY01CG66 मेरी कार का नंबर है। So sorry. It's okay. हाँ, I will. Sorry. बिना लाइसेंस के कहाँ देख रहा है तू? खड़ा हो जा। Gorgeous. तेरी कोई मदर सिस्टर है कि नहीं? निकल यहाँ से। My car. अपना फोन नंबर मुझे दो प्लीज। मेरा पर्सनल नंबर 3246272829। इसमें आधार और फोन नंबर दोनों है। Who are you? ए बजरी, चलने जल्दी। तू कौन है बे? मैं वही हूँ जो बिना भाड़े के तेरे लिए ये इम्पोर्टेड कोड लेके आया। कुछ याद आया? चला, धक्का लगा। खड़ा क्या है? अरे छोड़ लड़की को। सिर से पांव तक लोकल बॉय है। मैं इंटरनेशनल। ओ मैडम, हाई हील निकालो, आके धक्का लगाओ। Disgusting. Get lost. अरे डैशिंग हूँ। बाहर में जाओ। Disgusting बोल रही है। अरे छोड़ वो लड़की को, इधर आके धक्का लगा। ये भीम ने पोस्टर लगा के पैसे लिए थे, वो भी हजम कर लिए। पेट्रोल भी लगाया। पनवती साहब, धक्का लगवाएगा? सॉरी, क्या हुआ? काम बना नहीं क्या? तेरे जैसे दोस्त होंगे तो यही होगा। चल। ये पेट्रोल के पैसे हजम कर लेता और तू उनके पीछे पड़ा रहता है। एक से एक एंटीक मूर्तियां देखी, पर तुम जैसी सोने की मूर्त फर्स्ट टाइम देखी। ओ भाई, फिर से सपने? सुन ले, वो तेरे हाथ नहीं लगने वाली है। उस पुतले में क्या खास बात है? दिखा रे। पापा ने स्टैचू के बारे में बताया, कह रहे थे पूरे वर्ल्ड में इसकी बहुत डिमांड है। इस भंगार की भी डिमांड है क्या? किसी भी माल की असली कीमत खरीदने वाले से ज्यादा चोरी करने वाला जानता है बा। वैसे चुरानी कहाँ से है? गुलेबाग हवली से। मुझे गुलेबाग हवली भेज रहा है? इससे अच्छा कि मुझे खोलते हुए तेल में फेंक दे, नरक से भी बदतर जगह है। अपुन नहीं रेस लेगा, अपुन नहीं लाएगा वहाँ से। मैं लाऊंगा उसे। बड़े प्यार से ऐसे उठाऊंगा। कमेंट मत कर, सुसाइड कमेंट करने जैसा है। करूंगा तो फिर मैं अपने बाप की भी नहीं सुनूंगा। उस सोने की अद्भुत मूरत को अपनी बाहों में भर कर यहाँ लाऊंगा। hey, इन्हें एडवांस देते। इनसे पैसा लेना मतलब खुद की सुपारी लेने जैसा है। फिर से सोच ले। पीछे नहीं हट सकते। अम्मू, आने में लेट होगा, मेरे लिए वेट मत करना, खाना खा के सो जाना। और हेलो अम्मू, यहाँ का सिग्नल वीक है। ए, ये दूसरे रूट से क्यों ले आए? मेन रोड पे ट्रैफिक मिलेगी, जल्दी घर पहुँचा दूंगा, ये शॉर्टकट है। अपना सेठ लोगों के साथ सेटिंग है। तुमको देखते ही पहचान गया था, बोलो तो बात करता हूँ। ए औकात मेरे, अभी के अभी गाड़ी रोक, वरना मैं तेरा वो हाल करूंगी। अरे मुझे तो लगा था ये उस टाइप की लड़की। जान लेकर आऊंगी। अरे पत्थर मत मार। भाग यहाँ से इडियट, हट, भाग। ये कहाँ लेकर आ गया मुझे? चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल है। कहाँ फंस गई मैं? ऐसे चक्कर लगा रहा है मानो बीवी को बच्चा होने वाला हो। उसे गए पूरा आधा घंटा हो गया रे। मंदिर के बाहर चप्पल चुराने नहीं गया है, कीमती मूर्ति उड़ाने गया है वो। अबे कितनी आग जलाएगा तू? है काट रहे थे, धुएं से उड़ा रहा हूं। अरे की छठी औलाद, धुआं देख के इस लैंड का मालिक आ गया। चल निकल निकल यहाँ से, पे मरेंगे। चल चल, बद्री को छोड़ के जाएंगे। अरे गोली मार उसे, वो टाटा बाबा करके आ जाएगा। वो पास आ रहे। चल कमर की तो लग गई, पूरे रास्ते में परेशान कर दिया। ए सर, जीजा ने यही मंदिर बताया था ना? दीवार के कोने से 25 फुट दूर गड्ढा खोदना पड़ेगा। ये तो भगवान ही हमें वेलकम करने चले आए। अब ये कौन है? पुजारी तो नहीं लगता। हेलो सर, एक्सक्यूज मी सर, स्वामी सर, यहाँ पास में कोई बस स्टैंड होगा क्या? क्योंकि हाँ, पकड़ा गया क्या?
रहा है बेशरम। चोरों की मुखिया लगती है, हिम्मत कैसे हुई हमारे मंदिर के पास भटकने की, हमारे पुजारी को बिना वस्त्र देखा। मजा आया? अब छुपाने का क्या फायदा, पत्ते किसी बकरी को खिला दे। अरे हमारी प्राइवेट पूजा थी। ए, ध्यान से लिसन सब लोग, हम सब सरकारी अफसर हैं, कोई भी बदतमीजी की तो इस एरिया के सभी दारू के ठेके बंद करवा देंगे। नमस्ते। ए, तेरा इनके साथ क्या वास्ता है, बिना कपड़ों के पूजा में तेरा क्या काम है? मैंने नहीं जानती, मैं तो बस इस पुजारी से बस स्टैंड का पता पूछ रही थी। ए, तुम भी बस स्टैंड का पता पूछने आए थे क्या? नहीं, यहाँ मोबाइल टावर लगाने आए हैं। इस गांव में किसी के पास मोबाइल नहीं तो टावर किस लिए, हम कबूतरों से अपने संदेश पहुँचाते हैं। सर, कबूतरों के लिए एक पोस्ट ऑफिस खुलवा देते हैं। मुखिया, एक बहुत ही अशुभ संकेत है, हमारे गांव की कुलदेवी हमसे रुष्ट होके मंदिर और गाँव छोड़ के चली गयी है, उनके श्राप से पूरा गाँव में तबाही आ जाएगी। ये सब इस लड़की की वजह से हुआ है। हा? सदियों से चल रही परंपरा को तुमने आज भ्रष्ट कर दिया, इसकी सजा मिलेगी। आने वाली अमावस्या को निर्वस्त्र तुम पूजा करोगी। क्या कहा, निर्वस्त्र पूजा? ये मुझसे नहीं होगा। क्यों नहीं, ऑलरेडी आधे ही कपड़े तो पहने, इससे कम सेंसर अलाउ नहीं करती। सबको बांधो। अरे मैं तो सिर्फ गाड़ी चला रहा था। अमावस्या तक इस लड़की को मंदिर में बांध कर रखो। What's wrong with you? दिमाग खराब हो गया क्या? तू मुखिया को मूर्ख कह रही है? आवर्स गाड़ी। अच्छा मौका है, भाग निकलो। चलो चलो, तुम भी चलो यहाँ से। थैंक यू। भागो भागो, जल्दी करो, जल्दी गाड़ी में बैठ। सर, यू कार में चलाएं। चल हेलो हेलो, अरे पहचाना नहीं क्या? अरे तुझे बचाने आया हूं, तेरे पंटर लोग तुझे कल्टी दे गए ना। अरे तेरी गैंग के टपोरे लोग टपक पड़े। ए गाड़ी रुक, खड़ी रुक। सबसे पहले उसने मूर्ति चुराई, फिर छोकरी के लिए मुखिया को गोली मारी, फिर उसे अकेला छोड़कर भाग गया। मैटर क्या है? उसका वीडियो उतार लिया है ना, पकड़ लेंगे। है? अरे अन्ना जी, बिना इंटीमेशन दिए ही चले गए। आओ करण, इतने दिन कहाँ थे? अन्ना जी वॉइस चैट कर रहे हैं। ओ हेलो इंस्पेक्टर। अन्ना जी, फोटो पे माला देखकर लगा आपकी टिकट कट गई। अन्ना जी, अरे वो मेरे बापू की फोटो है। आपके पापा बिल्कुल आप पे गए हैं। क्या रे करण, सुना है फिर से तुम्हें 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया? अब तो आदत हो गई है, साल में 2 बार सस्पेंड होता हूँ। अन्ना जी एक मदद चाहिए थी, एक औरत ने मेरा बल्ब फ्यूज कर दिया। बल्ब फ्यूज किया, साफ साफ समझा। ठीक है सुनो अन्ना जी। श्रवण, मेरा बेटा श्रवण, ये ऐसा बोलेगा कि तुम्हारी बोलती बंद कर देगा। गधे थे गधे हो, गधे ही रहोगे। पिताजी, माँ से ज्यादा इस कार से लव करते थे। उनकी हाफ गर्लफ्रेंड ने गिफ्ट दी थी, मुझे भी टच नहीं करने देते थे। अब मुझे और इस कार को दोनों को अनाथ करके चले गए। उफ, गरम सीट ने मेरी सीट जला दी। पिताजी की आत्मा ऊपर नहीं गई, इसी कार में है। तो माँ क्या इसी डिक्की में है? अरे यार, यार भड़क जाएंगे, चुप रह। ए, वो तो देखो कोई गिरा पड़ा है। गाड़ी रोको 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 रोको। हे जल्दी करो, देखो क्या हो गया। कौन है ये? क्या हो रहा है? योगा करने के लिए इससे अच्छी जगह नहीं मिली? योगा नहीं, इसे मिर्गी का दौरा पड़ा है। इसे चाबी देंगे तो ठीक हो जाएगी। ये डॉल है जो इसे चाबी भरूं? अरे आप भी ना कुछ भी। जा रहे, चाबी बनाने वाले को बुला। क्या बोल रहे बॉस, मैं एम्बुलेंस को बुलाता हूँ। एक डॉक्टर भी भेजे। ये लीजिए माँ जी, पकड़ लीजिए। यहाँ सिग्नल नहीं मिल रहा। अबे तो जाके खरीद लेना। क्यों ना इसे अपनी कार में ले जाए। अरे मेरा बाप भी इसी कार में मरा था, कहीं इसने भी दम तोड़ दिया तो। 25 साल के इंतजार के बाद तो हाथ लगी है। तू जा सिग्नल ढूंढ। ओह, अब और नहीं रोक पाऊंगा। देख तू संभाल ले, मैं हल्का हो क्या था। अरे वहाँ देखो कमल हासन। हाँ? अरे चलो ना, क्या करूँ इस कमल की डुप्लीकेट का।
मुझे भी एक सेल्फी चाहिए। चलो ना चिकनी है। बाय। चिंता मत करो बॉस, फूल की खुशबू का पीछा करेंगे और उसे हम पकड़ लेंगे। इंटेलिजेंट आइडिया। बात हो गई, एम्बुलेंस आ रही है। वो बेचारी औरत कहाँ गई सर? सर थोड़ा स्माइल कीजिए। अब खुश हो डालें। थैंक यू सर। अल्ले लो, मुझे तो सिर्फ बल्ब दिखाया, आपको हेडलाइट दिखा के गई, अब क्या करें? पिताजी के श्राद्ध में 2 दिन बाकी हैं और तब तक खून खराबा नॉट अलाउड। फिर हो जाने दो, एम्बुलेंस बुलाऊंगा उसके लिए। तुम लोग इसे कॉमेडी कहते हो और हंस भी रहे हो। मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ ना, आप भी थी। उस वक्त मैं 10th में नहीं 8th में था, विद फ्रेंड्स बीच में। ए, सुनना करण, एक मजेदार गेम खेलें। कौन सा गेम खेलते हैं बता ना। जो सबसे पहले पानी में छलांग लगाएगा वो जीत जाएगा। गो, चलो जल्दी से कपड़े उठा लो। मैं जीत गया। हैं? अरे मम्मी, मेरे कपड़े कहाँ गए? मेरे दोस्त भी गायब हो गए। हे करण, तू चड्डी में क्यों घूम रहा है? प्रिया, मेरी इज्जत छुपाने के लिए दुपट्टा देना। ए, मम्मी को क्या जवाब दूंगी? नहीं दूंगी, चल हट। ए, मैंने तेरे कपड़े नहीं चुराए, मैंने तो बोट में संभाल के रखे थे। वहाँ कोई बोट वोट नहीं थी। वही बोट रे जिसमें बैठ के तूने सिगरेट फूकी। क्या कहा? सिगरेट पीने लगा है? पढ़ाई लिखाई तो कुछ करता नहीं है। आने दे पापा को, तेरी खाल उधेड़ देगी वो। अरे बड़ा होके बड़ा पुलिस ऑफिसर बनूंगा, कब्रिस्तान का वॉचमैन बनूंगा, तुझे जेल में डाल के हिराऊंगा, वरना मेरा नाम करण कुमार नहीं। वैसे वो बना क्या? पुलिस इंस्पेक्टर है। तुम दोनों से बदला लिए बिना यमराज भी मेरे को मारेंगे नहीं। तुम दोनों को सलाखों के पीछे फेंकना दूं तो मेरा नाम करण कुमार नहीं। ओ जलेबी भाई, 4G से भी फास्ट हो, 6G इस्तेमाल करती हो, सही है। व्हाट अ बॉडी, बॉडी में करंट दौड़ने लगा। पुलिस हमें अरेस्ट कर लेगी। अरे रे, मैं भाग जाऊंगी। पुलिस को अभी आना था क्या? पुलिस आ रही है। किसी ने मुझे देख लिया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। अरे ये फिल्म बचपन में भी चल रही थी, अभी भी चल रही है। अरे मम्मी, ए कुत्ता, अन्ना जी, रुको। प्रिया, हे करण, ये क्या है? तब से अब तक चड्डी में ही घूम रहा है। स्टोरी बाद में बताता हूँ, मेरी इज्जत बचाने के लिए अपनी साड़ी उतार दो। क्या बकरावे, ये तो बचपन से ही पागल इसको है। तुम पागल खाने में बंद करके रखना चाहिए। माँ कसम, ये भी अब तक यही घूम रही है। जलेबी भाई बाहर निकलो, पुलिस गई। ये भी गई। मेरे कपड़े कहाँ गए? मेरा आईपैड, मेरी डायमंड रिंग, मेरी घड़ी, सोने की चेन। ए, सेक्सी, बहुत जल्दी थी तुम्हें। जल्दी का काम शैतान का काम। तुम तीनों से बदला ना लिया ना तो मेरा नाम करण कुमार नहीं। ए, ये कौन सा मैकेनिक से गाड़ी ठीक करवाई तूने? भाई उधारी का काम ऐसा ही होता है। तूने पेट्रोल भरवाया था कि नहीं? 1000 रुपए का भराया था। तो टैंक क्यों खाली है? इधर डाला, टैंक फुल हो गई। मच्छर था क्या? कहाँ इस दारू के ड्रम के साथ फंस गया मैं। अरे कहाँ रह गए तुम लोग? अरे सांड ने गाड़ी में पेट्रोल नहीं भरवाया। अरे ये मेरी बाप की जगह नहीं है बाप, जल्दी आ जा, वेट मत करो पार्टी को। तू टेंशन मत ले, मैं किसी तरह पहुँच जाऊंगा। एक बकरा आ रहा है, ये काम अकेला नहीं कर सकता हूँ, चल सर। मैं अबे चला। नहीं नहीं, मैं नहीं। क्वार्टर लेके आना, चकना भी लाना।
सर 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 स्टॉप 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 साइकिल से तो आप जेंटलमैन लगते हैं, फिर चड्डी में क्यों घूम रहे हैं? बिग बॉस की है कि रूपा की दिखाऊं क्या? तुम कौन हो? Myself, चोर। चुराने के लिए सिर्फ चड्डी बची है, वो भी 3 दिन से पहनी है। वैसे ये मुझे फिट नहीं होगी, तो आप मुझे लिफ्ट दे दीजिए। ए, ये कोई भोला कुबेर की टैक्सी नहीं है, दिमाग खराब मत कर। लिफ्ट देंगे तो आपका अच्छा टाइम शुरू हो जाएगा। अच्छे टाइम की बात की ना, तेरा टाइम खराब कर दूंगा। पुलिस पीछे पड़ी है सर। पुलिस है? जी हाँ सर, एक गुप्त जगह सोना छुपा के रखा हुआ है, अगर मुझे वहाँ तक लिफ्ट दोगे तो खजाने में आपको 50% शेयर दूंगा। सोच लो, ऐसा मौका बार बार नहीं आता। जितने चाहे अंडरवेयर खरीद लेना। अपनी वर्दी दिखा के सारा सोना किडनैप कर लूंगा। आजा आजा अंदर आजा। हाँ ये हुई ना बात, अब चले। कुआं खोद रहा है क्या? सुपरमैन की तरह पोज मत मारो, शेर चाहिए तो शरीर हिलाना पड़ेगा। सोना बोला था लेकिन यहाँ तो सिर्फ कंकाल है। कंकाल नहीं, स्टैचू है। तो सोना किधर है? ऊपर 4 मूर्तियां हैं, उसके नीचे एक बॉक्स है जिसमें गोल्ड ही गोल्ड भरा हुआ है। अरे जल्दी हाथ चलाओ। हाँ खोद तो रहा हूँ। एक बच्चा तुमसे जल्दी खोद लेगा। ये झिंगोर पुलिस वाले से काम करवा रहा है, पता चलेगा ना मैं पुलिस वाला हूँ उल्टे पांव भागेगा। लगता सुन लिया। अगर तुम चारों से बदला नहीं लिया मनु बेटा, अबे तू कौन है? तेरी अंतरात्मा, कोई चोर तुझे भी नंगा कर गया क्या? उस चोर से भी बदला लेगा। हाँ थू। हाँ बोल। ए बद्री, 1 घंटे में नहीं आया ना तो आधा कमीशन काट लूंगा। हर 10 मिनट में फोन करने से मेरे पंख नहीं लग जाएंगे। अरे जल्दी पहुंच, पार्टी मुझे पागल कर रही है। सॉरी सर, गलत रूट पे आ गया। सॉरी फॉर द ब्रेक, सॉरी। आप उनको इधर काहे को लाया? तुम्हें भी कोई मूर्ति चाहिए क्या? मेरा बॉस है, उसके साथ डील कर सकते हो। अपन उसी के लिए चोरी करता है। सर ये क्या किया? सुन बे ओए, बड़ी सफाई से गुलेबा घवली से मूर्ति गायब की, वो भी मेरी कार में। ओ, तो उसका भाड़ा वसूलने को अपन को यहाँ लाया? वैसे कार की माइलेज बहुत लो है, है? और मैकेनिक ने तेरे को बहुत चूना लगाया रे। बॉस के कहने पे मूर्तियां चुराता है, कितना पैसा देता है तेरे को? वो कुछ 1 लाख। 1 लाख? मेरा एक काम करेगा, 50 लाख दूंगा। क्या 50 लाख? तेरा बड़ा अमाउंट मतलब बड़ा रिस्क, एडवांस लेके चंपत हो जाता हूँ। ये सिर्फ एडवांस है। तो मूर्तियां कहां से लानी है? गुलेबा गवली से मूर्ति लानी है। वो ऑलरेडी ला चुका हूं मैं, उसकी बात नहीं। वाली इतनी बड़ी है, उसे तो बाहुबली भी नहीं उठा सकता, मेरी तो फट जाएगी। सुन तो हटेले, मूर्ति नहीं बॉक्स को लाना है। एक को भेज। तेरे साथ में ये लड़की और मेरा आदमी जाएगा, तीनों मिलके बॉक्स चुराओगे और यहाँ लेकर आओगे। बॉक्स लाते ही ये मूर्तियां और बाकी पेमेंट लेकर जाना। अब क्या नहीं आफत आ गई है? ये नाइट ड्रेस कौन वेयर किया है? ओ, तुम्हें उठा लाए, क्या बात है? आपने कहा बाहर में कोई मीटिंग होने वाली है। ए, शांत तो... शांत, चल अंदर चलकर बात करते। इसे ठीक करना है तो बोलो, चलना नहीं पड़ गया था। चल क्या यहाँ नहीं भर्ती चल रही है क्या? क्या ऐसे लोगों को उठा लिया है? हाय, भूल गई क्या? तेरे को गांव वालों से बचाया था, तू तो ऐसे गायब हो गई जैसे सेंट से भूड़ जाती। क्यों, सिर्फ माल वालों से दोस्ती करती है? उस लड़की को गांव वाले ढूंढ रहे होंगे, अगर लड़की खुद को उनके हवाले कर दे तो वो अपनी अधूरी पूजा पूरी कर पाएंगे। ठीक उसी वक्त तुम और बद्री उस बॉक्स को निकाल के यहां लाओगे। व्हाट्स योर नेम? कोई नाम वाम है या नहीं? नहीं बताना। मैं तेरे को एक नाम दूं? तू इतनी हॉट है, मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, मिसेस बद्री।
एक बार टेल, लेट नाइट बाहर ठुमके लगाती हो, घर में कोई पूछने वाला नहीं है? इन हाउस ब्रदर बाप इज नॉट। वन आवर से होट पे फेविकॉल चिपका के रखा है। उस रात को जंगल में सॉलिड एक्शन सीन हुआ ना। गाइस एंड बेल्स, अगर बिना लफड़े के वर्क पूरा किया तो अपना डॉन दिल ओपन करके इनाम देगा। पता है, गोल्डन हार्ट है, टाइगर का लिवर है और एंग्री आया तो। तुम ठीक हो? चोट तो नहीं लगी? ओ नो, पुलिस वैन को हिट किया। क्या पुलिस कहाँ है? नीचे उतरो, जल्दी जल्दी। अबे खंबा है। सर सॉरी सर, माफ कर दो, ब्रेक फेलिंग हो गया सर। अरे अरे, ए, क्या दारू पी रखी है क्या? तेरी इतनी हिम्मत पुलिस की गाड़ी को ठोके? सर 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 सर, पीने रखी है सर, 3 दिन से ड्यूटी दे रहा हूँ, पैसेंजर को ले जा रहा था सर। कौन है ये दोनों? सर सर, हनीमून पे जा रहे हैं, दोनों बहुत अच्छे लोग हैं। माई खड़ूस बॉस का फोन है, 4 गालियां देंगे मुझे अभी। हेलो, कितने पुलिस वाले हैं? धीमी आवाज में बोलो। वहाँ कितने खाकी वर्दे वाले हैं? वन पुलिस वाला इस। उनसे बच के निकल सकता है ना? नहीं सर, उन्हीं की गाड़ी से तो टकराए हैं, सब पूछताछ करेंगे। किसी भी तरह उनको पटा और चुपचाप वहाँ से खिसक ले। ओके सर, मेरे बॉस से बात कीजिए। ये लीजिए सर, बात कीजिए। सर मार 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 सर, why hit me, why? और सर सर, don't hit सर, what I do सर? क्या सर सर, ये क्या है? आओ आओ इधर आओ, take back take back, कब कब आई? एक्शन देख के शक हो रहा है कि मैं मेंटल हूँ, करेक्ट ना? शक नहीं है, कंफर्म है। इस नौटंकी का क्या मतलब? कार से जाना रिस्क है, पास में एक बाईपास है, फ्रॉम देयर से कार लेंगे, उसमें बैठ के बातें करेंगे। हाँ विजी, अपना हाथ दो, अकड़ू कहीं की। मेरा लिफ्ट मांगने का तरीका हटके है, जब सींग तो जान जाओगे। ओनली वन लेडी, नीचे उतार। बुड्ढी आंटी, तुम्ही से बोल रहा हूँ। कुछ कहा तुमने? एक कार से उतरने को बोला। क्या क्या कह रहे हो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। डोर खोल के डाउन उतरो। मुझे जाने दो, मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में एडमिट हैं, मुझे उन्हें ब्लड डोनेट करने जाना है, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो ना। एक बुड्ढी पे बुलेट वेस्ट नहीं करना चाहता, गाड़ी से उतर। थोड़ा जोर से बोलो ना। ये क्या है? गाड़ी लगता है बहरी है। उतरो। समझ गई। ये लो, भूख लगी है ना, खा ले बेटा। ए, लास्टेस्ट वार्निंग दे रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसके नाम पे उतर जा। एक पास और वॉल्यूम बढ़ा। पैर पड़ता हूँ, उतर जा। थोड़ा और जोर से बोल। नहीं उतरी तो सुसाइड कर लूंगा। चिल्ला क्यों रहा है, बहरी थोड़ी हूँ। गाड़ी से नीचे उतरो, गाड़ी से नीचे उतरो, गाड़ी से नीचे उतरो। अरे मेरी माँ, गाड़ी से नीचे उतरो। ये तो पागल हो गया। अरे बच्चों, क्या बोल रहे हो तुम लोग? तुम लोगों को मुझसे पैसे चाहिए क्या? ए, हम तेरे को भिखारी नजर आते हैं। ए, मेरे में इसके जैसा सब्र नहीं है, उतर नीचे चल। ए, मुझे गोली मत मारना। बेचारी आंटी सुन नहीं सकती, तो उन्हें जाने दो, गोली मत मारो। इनकी बात कर रही हूँ। अब इसे छोड़ देंगे तो गुलेबा घवली जाने में 3 दिन लग जाएंगे। वन सेकेंड आंटी आंटी क्या? कार चाहिए क्या तुम्हें? अरे तो ये सब पहले कहना चाहिए था। अरे बेवड़ी बुड्ढी, गोली मार दूंगा तुझे, इतनी देर से मैं क्या भजन गा रहा था? उतर गाड़ी से नीचे। ये क्या कह रहे हो बेटा, जरा जोर से बोलो ना। ये क्या चल रहा है? मेरे पति का मेरे अलावा और कोई नहीं है, इस कार की कीमत ही क्या है? वैसे भी पति से बढ़कर औरत के लिए दुनिया में कुछ नहीं होता। हेलो, इनके हस्बैंड हॉस्पिटल में, इन्हें जाने दो। सही कह रही है बेचारी, इसे हॉस्पिटल ड्रॉप कर देते हैं। यही सही, अपना तो मतलब बीच से है। जरा बैग लेके बैठो। अच्छा ले आ जाओ। तुम में से कोई ओ पॉजिटिव ग्रुप वाला है क्या? किसी ओ पॉजिटिव वाले को किडनैप कर लेंगे। अब तुम्हें यही बैठना है, पीछे चलो, मूव।
आज मेरी जान ही ले लेती। ए, बता उस कार में क्या रिस्क था? बॉक्स को चुराने के लिए कितना ऑफर दिया? 50 पेटी। और तेरे को? ओए, रावण की तरह हंसना बंद करो, पॉइंट पे रहो। उनका प्लान जानते हो? इसे कबीले के हवाले करते ही वो पागल पुजारी वस्त्रहीन पूजा में बिजी हो जाता और उसी टाइम हम वो बॉक्स निकालना शुरू करते। उसके बाद जैसे ही हम बॉक्स को गड्ढे से निकालते, ऑन द स्पॉट मुझे तुम दोनों को गोली मारना है। डिश्का, डिश्का। अरे, अरे। एक मिनट, तुम क्यों शॉकिंग? मैंने उन्हें अपने कार में माइक्रोफोन फिट करते हुए देख लिया और इस बात की भी वाट गारंटी है कि बॉक्स मिलने के बाद मुझे जिंदा छोड़ देंगे। अब मेरा प्लान लिस्निंग, अगर तुम दोनों कोऑपरेट करोगे तो माल को 3 हिस्सों में बांट लेंगे, फुल लाइफ सेट हो जाएगी। क्या बोलते हो मुझे? कैसा लगा प्लान? बात मान जाए ना तो अखी लाइफ एंजॉय करेंगे, क्या बोलती? लाइफ सेट हो जाएगी, पॉकेट में मनी, बगल में विजी। मतलब उसे पटा लिया तो दो ही हिस्से करेंगे? 3 हिस्से होंगे। ओके। हेलो, एक्सक्यूज मी, तुम्हारी कार की डिक्की खुली है। थैंक्स भाई। अरे अरे देखो, वो रहा मेरा शिकार। नहीं, ये बदली है, सारी दुनिया छान मारी। अरे तू इधर फैमिली पिकनिक मना रहा है? कहाँ है मेरी मूर्तियाँ? बता बता। कौन है वो सांड? मेरा बॉस है, उसे पता चल गया तो वो भी अपना शेयर मांगेगा। गाड़ी चलाओ ना। अरे गाड़ी नजदीक है। अरे मैं ही चलाऊं क्या? अरे क्या कर रहे हो? अरे पीछा करना है, जल्दी करना है। क्या कर रहा है? गोली चलाना। अरे क्या चलाऊं, गन चल ही नहीं रही है। अरे मैं गलती से फिल्म की शूटिंग वाली गन लेके आया। अरे फास्ट। अरे भाई बंदूक। गन डाउन देयर। दबा दबा। अभी दबाता हूँ, देख। ये बाहर निकलो, तुम लोग सब। निकल, चल मारा। एक मिनट, एक मिनट। हाँ, खाना खाया? पैर हटा। क्या कर रहा है? आशीर्वाद चाहिए क्या? क्या ढूंढ रहा है अंदर? बाहर, अरे बाहर निकल। मेरा गन लॉस्ट, मैं वही फाइंड कर रहा हूँ। आराम से ढूंढ। क्या आराम से? वही गन से हम लोग को शूट कर देगा वो। ए बाहर निकल। पैर हटाने में क्या प्रॉब्लम है? क्या जल्दी है, क्या देते मुझे? घुटने में बेटा, इन दोनों को घुटने में बेटा। बद्री भैया, आप मेरे लिए साक्षात भगवान बन के आए, विलेन के रूप में आप फरिश्ते बन के आए हो मेरे लिए। अरे इन दोनों गुंडों ने मुझे और मेरी बेटी को किडनैप कर लिया। मेरा भाई हॉस्पिटल में एडमिट है। बेटी? मैंने भिखारी समझ के इन्हें खाना दिया। गन दिखा के कार के साथ साथ मेरा खाना भी छीनना चाहते थे। अच्छा हुआ आप लोग आ गए। सुनना, पहले कहा पति को खून देना है, अब ये भाई कहाँ से टपक पड़ा? बहुत पीपल साथ में एडमिट है। अबे ढक्कन, विजी को भी अपनी बेटी बना लिया उसने। शर्म नहीं आती, जोर औरतों में दिखाता है तू। तुम दोनों जाओ, 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 जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया, बैठी रहे। जाओ हॉस्पिटल जाओ, हम उम्मीद करेंगे कि वो जल्दी ठीक हो जाए। मुझे इतने हल्के में मत लेना। टॉफी छीनने पे 12 की उम्र में मैंने अपने भाई को मार दिया था। तो ये कहानी सुनकर बोल देने पे 15 की उम्र में टीचर को टपका दिया था। 20 साल में एक पुलिस वाले का इनकाउंटर कर दिया था। 30 की उम्र में अपनी छावी को भगाने वाले को दुनिया से भगा दिया था। 40 की उम्र में अपनी बॉस की जगह लेने के लिए उसे उड़ा दिया था मैंने। ए, इस हिस्ट्री शीटर को अपनी हिस्ट्री नहीं मालूम है? 50 की उम्र में अपने दूध वाले को मैंने मार दिया। पका के मारने से अच्छा सीधा गोली मार दे। पहले ये बता मूर्तियां कहाँ है, फिर शौक से मार दे। हे, जल्दी करो, आओ। अरे चलो 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 यार, चलो चलो चलो। अरे जल्दी 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 बैठ तो दो, ये पकड़ो उसको। चलो चलो। अबे मुंह से बोल। ए, मेरी तो सुन सकती है। कौन हो तुम? तुम वैन से आई हो? बुड्ढी को ओवरटेक नहीं कर सकता। अरे वो बुड्ढी तो धूम मचा रही है। उसके बाजू में ले गोली, अंदर मारूंगा। वो लेफ्ट राइट बंद करेगी तभी तो जा पाऊंगा। अरे
उन्हें क्रॉसिंग पार करने दे, फिर ट्रेन से भी आगे जाने दे, जितना जी चाहे आगे जाने दे, और उसके बाद कार से उतर के टाटा बाय बाय भी करने दे, भगा कर दे। टेंशन मत ले, उनके क्रॉसिंग पहुंचने से पहले मैं उनको क्रॉस कर लूंगा। आ रहा हूं बुड्ढी। भगा भगा, अबे भगा। आई लव क्रॉसिंग। अबे ये क्या? अबे गधे, तू एक बुड्ढी से हार गया है। हार गया। मैं तुझे यहाँ पे एक वृद्धाश्रम में डोनेट कर दूंगा, साला गेंडा। पता नहीं वो कौन सी घड़ी थी जब मैंने तुझे अपनी गैंग में शामिल किया। उठ 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 रे उठ। बेवकूफ गेंडा। ये हॉस्पिटल जैसा तो बिल्कुल नहीं दिखता। ये है अपुन का पैलेस। पैलेस? थैंक्स, अब चलते हैं। यहाँ से जाने की इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो ठीक से मुलाकात भी नहीं हुई। मुझे जानती हो? कभी नहीं मिले। एक बार गौर से देखो जरा। नहीं, मेमोरी को थोड़ा रिवाइंड करो। इतना पीछे नहीं, थोड़ा आगे मेरे पास आओ। आप वही है ना जिसने बचपन में मेरी टॉफी के डब्बे चुराए थे और इल्जाम मेरी नानी पे लगाया था? अरे चुप, कुछ भी बोले जा रही है। अरे अपने फ्लैशबैक में जाके देख। आने वाली अमावस्या को नर्वस से तुम पूजा करोगी। थैंक यू। आंटी बोला था, मुंह नोच लूंगी तेरा। माशा सॉरी माशा, उस दिन अगर आपने मेरी हेल्प नहीं की होती तो वो कबीले के लोग मुझे मार ही डालते। थैंक यू। एक बात सुन ले, आज नहीं तो कल उनके हत्थे फिर से चढ़ने वाली है तू। तुम तीनों जंगल जाने वाले हो ये मैं जानती हूँ। इस बेचारी को उनके हवाले कर दोगे और तुम दोनों बॉक्स लेके वहाँ से चंपत हो जाओगे, ये भी मुझे पता है। जब तक मेरी परमिशन नहीं मिल जाती, सपने सपने ही रहेंगे। क्यों मैडम, आप उस पुजारी के रिश्तेदार लगती हो। रिश्तेदार नहीं, गुरु हूँ। पूजा कब करनी है ये मुहूर्त मैं ही निकालती हूँ। आमतौर पे मैं उन्हें अमावस्या के दिन का मुहूर्त बताती हूँ और जो मैं कहती हूँ वो आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं। भगवान के बाद सिर्फ मुझे ही मानते हैं वो लोग। जिस दिन का मुहूर्त निकालूं उस दिन बॉक्स उड़ा लेना, और बॉक्स में जो भी माल निकलेगा वो हम चारों में बराबर बटेगा। चार हिस्से? क्यों, पूरा मैंने लिया तो? नहीं हो सकता, उन पैसों को हम सिर्फ धार्मिक कार्यों में। नहीं नहीं नहीं। ठीक है, चार हिस्सों में बांट लेंगे, डील फाइनल। डबल क्रॉस करने की कोशिश भी मत करना। हाँ चोट से मोहर लग गई, पकड़े नहीं जाएंगे। चोट से मोहर लग गई, वो चिड़िया भी ज्योतिष है क्या? तो सबसे पहले विजी। हाँ विजी। बद्री। हाँ बद्री, सिर्फ हम तीनों लूट की लोकेशन पे जाएंगे। एक सेकंड, मुनीश को क्या करना है ये बताओ। और तुम हाँ उस कार को, हाँ कार को धो लेना। हाँ बेटर है तेरे लिए, हम दूसरी कार में जाएंगे। उस दिन के लिए क्षमा चाहते हैं। कल हम शादी करने मंदिर जा रहे थे कि तभी रास्ते में इन देवी माँ के दर्शन हो गए। देवी माँ ने बताया कि इसने भगवान को रुष्ट किया है तो उनके शाप से बचने के लिए यहाँ आके पूजा करवानी होगी, इसीलिए मैं इसे यहाँ ले आया। इसे अपने साथ रखिए और अधूरी रस्म पूरी कीजिए। ठीक है, हम मुहूर्त निकालते हैं। आप तो अमावस्या को पूजा रखवाती हैं, आज आप ऐसा क्यों कर रही हैं? अमावस्या होने में तो अभी काफी दिन बाकी है, इस बीच अगर इस लड़की के वो वाले दिन आ गए तो पूजा अर्थहीन हो सकती है।
माशा, पुजारी जी आप क्या कहते हैं? वैसे कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर कोई अनहोनी हुई तो माँ की क्रोध को शांत करने के लिए इससे भी बड़ी पूजा करनी होगी। ए, ये बता पहलवान, ये सरपंच के कंधे पे किसी कौवे ने चोंच मारी थी? अरे चोंच नहीं मारी, किसी सिरफिरे ने गोली मारी इन्हें, मैंने लपक के इन्हें बचा लिया। अच्छा, तूने बचाया? हाँ, हाथ से गोली का डायरेक्शन चेंज कर दिया। फिर परंपरा का क्या होगा? वैसे गोली चलाने वाले की शक्ल बिल्कुल तुम्हारे जैसी थी, बस रंग थोड़ा काला, आँख से थोड़ा भैंगा था, दाढ़ी नहीं थी, बिल्कुल चिकना था। चिरकुट, तेरी नजर बहुत तेज है। अरे आपको मेरा नाम कैसे पता चला? अरे तेरी शक्ल तो लिखा है। तुम तो ज्योतिषी हो, ये विद्या मुझे भी सिखाओगे क्या? Come on, man. कहे तो तुझे भी सिखा दूंगा। अरे वाह, तुम्हारा तो बहुत बड़ा दिल है, बिना कपड़ों वाली पूजा के लिए होने वाली पत्नी को हमें ऐसे ही सौंप दिया। क्या? बिना कपड़ों की पूजा? हाँ, वो भी इतनी कोरी चिट्टी पत्नी को। देवी माँ, What the hell is happening here? हे भगवान, ये कैसा पब्लिक डिस्प्ले होने वाला है? सब लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमारी देवी माँ ने अधूरी पूजा को पूर्ण करवाने के लिए उसी कन्या को वापस हमारे पास लेकर आई हैं। अब हमें अमावस्या का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, इनके बताए मुहूर्त पर करेंगे। ठीक है, कल सुबह इस कन्या को ले आऊंगी, अभी आज्ञा दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, अब पीछे मत देखो। मैं पूजा करूं या बलि चढ़ूं, तुम्हें क्या? मुझे क्या? अरे पत्नी की बॉडी सिर्फ पति के देखने के लिए होती है, ना कि पब्लिक डिस्प्ले के लिए। एक ही दिल है, क्यों ब्रेक कर रही हो? माशा ने कहा ना सब संभालने की, अगर कुछ हुआ भी तो मेरे होने वाले पति को इस राज का कैसे पता चलेगा? मुझे तो ऑलरेडी पता है। आई डोंट केयर। एक मिनट, अब बात को मैं और घुमा फिरा के नहीं कह सकता। अब पहली बार जब तुम्हें पब में देखा ना, तो दिल में तुम्हारे नाम का पार्किंग बोर्ड लगा दिया। मैंने इस डील को हाँ इसलिए कहा ताकि मैं तुम्हारे टच में रह सकूं, वरना मैं तो कभी का पतली गली से खिसक लिया होता। अरे यार, कोई बात समझती नहीं है, एडवांस जेब में डाल के इन सारे झमेलों से कहीं दूर भाग जाता। सुनो ना मेरी प्यारी सी बेबी डॉल, तुम एक लाल जोड़े में आओगी, उसके बाद मुझे देख के प्यार से शर्माओगी, फिर केसर वाला दूध हाथ में थमाओगी, बेड पर गुलाब के फूल बिछे होंगे। अच्छा, फिर हम दोनों एक हो जाएंगे। बिना शादी के मेरे साथ सुहागरात मना रहे हो? ऑब्वियस है, शादी के बाद ही सब कुछ करेंगे ना। मेरे ख्याल से शादी से पहले प्रपोज वो भी करना होता है, और आई लव यू वो भी तो कहना पड़ता है। आई लव यू, आई लव यू, चल भाग। सुनो, फर्स्ट एक्शन ऐसा ही होता है क्या? थप्पड़ मारना भूल गई। अरे अरे अरे, काटा चुप गया क्या? अरे अरे, ला लो, मैं उठा लेता हूँ। क्या कर रहे हो? उतारो मुझे, उतारो। माशा देख लेगी, उतारो मुझे। माशा किताब में बिजी है, तुम पहले अपना जवाब दो। स्टेज बनवाओ, पब्लिक बुलाओ, माइक पकड़ाओ, फिर अनाउंस करूंगी, तुम्हारे साथ दुनिया को पता चल जाएगा। ओह माशा, यहाँ माइक वाइक है क्या? यहाँ जंगल में मंगल मत करो, बैक सीट पे इसे पटको, गाँव वाले देखेंगे तो बात बिगड़ जाएगी। जंगल में एंट्री करना इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। तीन बलि के बकरे भेजे हैं, अब उन पर भरोसा करने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। कुछ भी हो, अमावस्या को हम वहां जाएंगे, और उसके लिए मुझे ना नहीं सुननी। लेकिन अमावस्या को डबल अंधेरा रहता है। हाँ देखिए अपना वफादार कुत्ता। हेलो मुनीश बॉस, अभी तुम्हारी तारीफ के पुल बांध रहे थे। क्या चल रहा है, सब सेट है ना? लड़की को गांव वालों तक पहुंचा दिया, अमावस्या की रात को पूजा होगी। वेल डन, बॉक्स मिलते ही उन्हें मार देना। बधाई हो, अपना पपलू फिट है। मेरे आइडिया से करना चाहिए था, अपना दिमाग चलाया, देखो क्या हो गया, वो लोग 9-2-11 हो गए। मेरे हिसाब से चलता ना तो मैटर चुटकी में सॉल्व हो जाता, समझा? मेरे पे भरोसा नहीं किया तेरे को? शक्ल से इंटेलिजेंट नहीं लगता हूँ, लेकिन तू मेरी गैंग में आने से पहले तू कौन सा काम करता था? कौन सा काम? ये कुदी मार, पलटी मार, राइट जंप, लेफ्ट जंप, तू क्यों फ्री हो रहा है भाई? शाबाश मेरे बंदर, आए चलो पैसा निकालो, हलकट लो, कोई देता ही नहीं पैसा, इस काम का उससे क्या लेना देना? अब हम सब प्रोफेशनल गुंडे हैं। प्रोफेशनल है? तुम लोग इस टायर में से निकल के बता। एक दिन ट्रक के नीचे आते आते बचा, उस दिन से टायर ट्यूब देखते हवा निकल जाती है। अबे टकले पानी में जमा। मैं आज सुबह नहा के आया हूँ। अच्छा, अबे इधर आ। हाँ बॉस। इसमें घुस। इसमें कैसे घुसू, ये छोटा है। घुस जा। ए तू जम मार। भाई पहले आप डेमो दो ना। अबे शाड़े, ये बद्री को मैंने नौकरी में क्यों रखा? आग बंद करके निशाना लगाता है, गन मास्टर है। तुम ढोल गवार से पेट बढ़ाना जानते हो। की कमर तो चिकनी चमेली जैसी है। गोली मार दूंगा। हमें दुत्कार और उससे प्यार।
उस बद्री ने मुझे पहली बार धोखा दिया। मैं उसकी बॉडी में छेद कर दूंगा, छेद। अरे डम्बो, वो नहीं बजेगा रे। हाँ? अरे छी, रेडियो में लिसनिंग का क्या मजा। अपना गाया गाना सुनाता हूँ। स्कूल के कंपटीशन में टिफिन बॉक्स जीता था। तुम सब मेरे घायल हो जाओगे। ए मुनीश, घायल नहीं होना, वैसे ही सिर दर्द हो रहा है। पहले क्यों नहीं बताया, सिर दर्द भगाने का भी गाना है, आम से भी ज्यादा असरदार है। बंडू बम बंडू बम, पीड़ा हारी बम, सर्दी सर दर्द दूर करे, पीड़ा हारी बम। बस बस बस, बहुत हो गया, बहुत हो गया। ठीक हो गया ना, कहा था ना मैंने। अरे यार, कल हम लोग सुपर रिच होने वाले हैं भाई, थोड़ा मौज मस्ती वाला गाना बजाना चाहिए ना। ये क्या है? तो तुम ही बताओ क्या करें। कल जब पैसे मिल जाएंगे, इनविटेशन कार्ड छपवा के शहर के सारे चोर चक्कों को बुला के बढ़िया पार्टी करेंगे। अच्छा है, ताकि वो सब आकर हमको लूट कर चले जाएं। क्या बोला? सॉरी सॉरी सॉरी। माशा, हम लोगों से ज्यादा तो तुम एक्साइटेड लग रही हो। हाँ। फ्यूचर को सेट करने के लिए हम सब इतना बड़ा जोखिम ले रहे हैं। हाँ। कुछ गड़बड़ हो गई तो तुम्हें तो कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, तुम तो सिंगल हो, एकदम फ्री। ये बताओ कि इतने पैसों का तुम करोगे क्या? तुमसे किसने कहा मैं अकेली हूँ? हा? कुछ लोग सिर्फ मेरे सहारे जीते हैं। क्या कुछ भी? लोग कितनों की बात कर रही हो? मैं एक अनाथ आश्रम चलाती हूँ। और वहाँ जितने भी बच्चे हैं, वो मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, सब कुछ हैं। माशा, तुम क्या? क्या बताऊं? सिर्फ उनकी खुशियों के लिए ही चोरी करती हूँ। मेरी गाड़ी का हॉर्न सुनकर वो दौड़े चले आते हैं। मैं उनके बीच होती हूँ, मुझे बच्चों से जो प्यार मिलता है ना, उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मेरे अलावा उन बच्चों का कोई नहीं है, और मैं जब तक जिंदा हूँ दुनिया भर का पैसा सिर्फ उनके लिए जमा करना चाहती हूँ। औरों की तरह डोनेशन के पीछे भागना मुझे पसंद नहीं है, और इसीलिए दिल पर पत्थर रख के मैंने जुर्म का रास्ता अपना लिया। उन मासूम अनाथों का चेहरा देखकर बस करो बाशा, और सहन नहीं कर सकता। यू आर वेरी महान। Let him kick it. You continue. ए नल्ले, वो तुझे इमोशनल चूरन दे रही है और तू है कि उसे गटके जा रहा है। ए, वो मान गया तो तेरे बाप का क्या गया? टांग क्यों उड़ा रहा है? हाँ हाँ, मदर ट्रीसा हो तुम। मुनीश, वो प्यारे मासूम अनाथ। ए, झूठ की महारानी, सबसे बड़ी फ्रॉड, तुम्हें देवी का दर्जा दे बैठा। तुम मुझे चोंच की नींद दिखने लगी। तुम्हें अच्छी नींद आ जाए, इसीलिए परियों की कहानी सुनाई तुम्हें। अरे तो तुमने विश्वास ही क्यों किया? अरे बस करो मनीष, बस करो, मैं थक गई। अरे अब रो क्यों रहा है मनीष? वो कुछ नहीं। क्या हुआ मनीष? वो माँ के मरने के बाद उनके प्यार को तरसा, बहुत मुश्किल से उस दुख से गेट आउट हुआ। चुराए हुए पैसों से कहीं ज्यादा मैं परिवार को दौलत मानता हूँ, ट्रू में। तुम्हें उस लूट में सबसे ज्यादा शेयर चाहिए, इसीलिए इमोशनल हो रहे हो। मेरी बहन जैसी हो, चाहे तो मेरा शेयर भी तुम रख लो। सच कह रहे हो साले साहब? हाँ, दिल से कहा मैंने। रोना बंद कर। ए बजरी।
तू यहाँ? चूहे की तरह बिल में छुपाए, सांप की तरह मुझे निगलने वाला था, अब तेरी टिकट काटता हूँ। भीम भाई मुझे गोली मत मारना, मैं तुम्हें मूर्ति लाके दूंगा, गोली मत मारना भाई। पता है आपने भाई को मारा है, फिर टीचर को टकराया, एक पुलिस वाले का एनकाउंटर भी किया है, बीवी के प्रेमी उस दूध वाले को भी मारा है, अब अगला नंबर मेरा है। आप जो सामने आता उसे उड़ा देते हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे गोली मत मारना भाई, मैं आपकी मूर्ति ला दूंगा। वेक हो गया, रिलैक्स, 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 रोली के बजाय हार्ट अटैक से मार देता। सो जा आराम से, फिर से नींद खराब मत करना। गोली मत मारना भाई, भाई मुझे मत मारना, मुझे मत मारना, पप्पी दो, पप्पी, पप्पी। सब लोग ध्यान से सुनो, आज सूर्य अस्त होने के बाद गुलेबाग वाली देवी के सामने विजय नाम की कन्या मंदिर के प्रांगण में निर्वस्त्र पूजा करेगी। वो आज इस तरफ से आएगी, उस दिन उसने मुझे नंगा देखा ना, तो आज मेरी बारी। चलो जा। हो गया, और नहीं कर सकता, हर खजाने को गाड़ना जरूरी है क्या? गुफा में छुपा लो, लॉकर में रख लो, पलंग के नीचे छुपा लो, माल चाहिए तो खोदता रहे। ए, जल्दी आओ जल्दी। इसने फिर भी वकूफ बनाया, मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ए बद्री, एक हेल्पर होता तो अच्छा होता ना, बोल ना। हाँ, गांव के मुखिया को बुला लेता हूँ, ताकि खजाने के 5 हिस्से करने पड़ जाए। चल खुद। वो माशा नाम की बुढ़ी ऑलरेडी एक हिस्सा हड़प कर रही है, और शेयरिंग कैरिंग नहीं कर सकते, एक नंबर की चैप्टर। आओ आओ माशा, आप ही की तारीफ कर रहा था। अच्छा, मेरी तारीफ में कसीदे पढ़ रहे थे क्या? मैं जानती हूँ, माल लेके भागने का इरादा था। अरे मेरी मदद के बिना इसे निकाल पाते क्या? इस पे मेरा हक है। पसीना बहारा पड़े तो पता चलेगा। हाँ, तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ। अरे डायन हूँ मैं, डायन। गांव वालों को बेवकूफ बना के मंदिर के बजाय यहाँ आ गई, तुम लोग फ्रॉड हो। ए, तुम तो उस दिन पंचायत में थे ना। ए, कर। बहुत कर ली ओवर एक्टिंग। मैं शादी करना चाहता था, उसके लिए पूजा में मुझे नंगा जाने बोला, आज जब मेरी देखने की बारी आई तुम पूरे कपड़ों में आ गए। रुक, मैं गांव वालों को बुलाता हूँ। ए, गांव जा रहे हो तो थोड़ा पानी लेकर आना, तुम्हारे लिए कुछ मंगवाओ क्या? पत्नी, उसको पकड़ो। अरे खड़े खड़े क्या कर रहे हो? अरे बैठना नहीं, उसे रोको पहले। अरे वो पकड़ने गए तो तू बैठ गई यार, कितना फास्ट भागते हो, लड़की को बिना कपड़े देखना है, अपनी शक्ल देखिए कभी है? जंगल की बंदरिया भी तुम्हें घास नहीं डालेगी। चलो, इस बहाने गड्ढा खोदने के लिए फ्री का हेल्पर मिल गया। Goodbye. क्या
था, डेंजरनाक काम था, पर कर दिखाया, मजा आया। तीन हिस्से होंगे, अरे हाँ भूल गया, चार हिस्से होंगे। सुनना बद्री, कार को जरा साइड में रोक के बॉक्स के अंदर झांक लेते हैं ना। अरे जल्दी क्या है, घर जा रहे हैं, चेक कर लेंगे। अरे मगर देख लेने से। चुप कर, माशा बिल्कुल ठीक कह रही है। ये बॉक्स किसी और की अमानत है, कार सीधे उसके घर ले चलो। मैडम यू पुलिस वाली क्या? ये पुलिस वाली, छी विजी ये क्या पागलपन है। बात करने का कोई फायदा नहीं, कार को सीधा वहीं ले चलो, होशियारी दिखाई तो गोली मार दूंगी। ए, हमारी हफ्तों की मेहनत पे पानी फेरेगी। चल गन इधर ला, तूने ऐसा क्यों किया? दिमाग खराब हो गया क्या? अरे पुलिस पुलिस पुलिस, जल्दी भागो, जल्दी भागो, गो। दीदी तो भाग गई। ये घर का किराया, ये रही स्कूल की फीस। इन चोरियों से ही तो उसे पढ़ा पाती हूँ, उसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी कर पाती हूँ। मेरे पास और कोई सहारा नहीं। मैं नहीं जानती कि ये कौन है, प्लीज हमें यहाँ से जाने दीजिए, मेरा विश्वास कीजिए, प्लीज सर, प्लीज। देखो जैसा हम कहते हैं वैसा करोगी तो इसे यहाँ से जाने देंगे, वरना दोनों में से एक भी नहीं जा पाएगा। इनकी बात मान लो ना प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है, यहाँ से ले चलो प्लीज दीदी। मेरा आदमी तुम्हारे साथ रहेगा, लेकिन उसे भी पता नहीं लगना चाहिए। प्लीज मुझे ये बॉक्स दे दो, मुझे अपनी बहन को बचाना है, प्लीज। ए, येड़ा हो गया मुनीश, इसकी बहन की जान खतरे में है और तुझे बॉक्स की पड़ी है, तेरा दिल है या नहीं? हाँ है, मेरे भी सीने में एक इंसान का दिल है। जिस बॉक्स के लिए बवाल हो रहा है ना, देखना चाहता था इस बॉक्स के अंदर ऐसा कौन सा खजाना है। रॉन्ग किया क्या? आया बड़ा। ओ, ओ, ओ। देखो। अरे मुंह क्यों खुला रह गया? तो माल को तीन हिस्सों में बांट लेंगे, वो लाइफ सेट हो जाएगी, क्या बोलते हो? लाइफ सेट हो जाएगी। शहर के सारे चोर उचक्कों को बुला के एक शानदार पार्टी करेंगे। मैंने कहा था कि सब तरफ से रोशनी करवा दो। बस कीजिए, इस आइडिया से अच्छा होता हम उनकी गाड़ी को ही आग लगा देते। अरे अमावस्या को छोड़कर पूजा की ये सब तो होना ही था, मुझे लगता है अब आपको संन्यास ले लेना चाहिए। ओहो, अब इस गाड़ी को क्या हुआ? ए मुनीश, लगता है कार के रेडिएटर को प्यास लगी है, जाकर कहीं से पानी लेकर आता हूं। ए हाँ खोल आलसी। तो शेर नहीं आए? ए कुंभकर्ण उठ, कुंभकर्ण उठ जा। जा गया, कल इस शहर का सबसे अमीर आदमी बनूंगा, फिर सीधे बैंकॉक जाऊंगा मैं, बैंकॉक।
ये तो मुझे बॉस की गाड़ी लग रही है। मुझे उस कमरे तक आवाज आ रही है, लगता है उमर के साथ तुम बहरे भी हो गए हो। बहरा नहीं हूँ, तुमसे ज्यादा सुनाई देता है। हाथों में मेहंदी लगी है क्या जो फोन नहीं उठा रहे? रात को मैं फोन उठाऊंगा तो जरूर होगी कोई बैड न्यूज, तुम उठाओगी तो होगी गुड न्यूज, इसलिए तुम्हें जगाया। हेलो बॉस, आपकी गाड़ी मिल गई बॉस। हाँ, पापा की हाफ गर्लफ्रेंड। हाँ वही, गुड न्यूज। तू खटारा तो इसकी जान है। बॉस अभी वो जंगल में खड़ी है और वो चोरनी भी उसी में बैठी है। तू कार के डिक्की में छुप जा, कुछ हाँ? करना मत, ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे में मैं वहाँ पहुँच जाऊंगा। डुप्लीकेट करण को बुला। वहाँ सब कुछ ठीक तो है ना? बॉस चिंता बिल्कुल मत करो, 15 मिनट हो गए और गाड़ी बिल्कुल हिली तक नहीं है। पिछवाड़े में कुछ चुभ रहा है। क्या है वो? हेलो, पिताजी की आत्मा ऊपर नहीं गई, इसी कार में है। तो माँ क्या इसी डिक्की में है? क्या बोला? बॉस आपको पता है आपकी माँ यहाँ डिक्की में बंद है। मेरी माँ? क्या मतलब, पागल हो गया है क्या? सच कह रहा हूँ, दूध की तरह चमक रही है मेरी माँ। और गोरी? सच कह रहा हूँ, जो देखा वही बता रहा हूँ। ए 420, यहाँ छुप कर बैठे हो? मेरी गाड़ी कहाँ है? बेटे की शक्ल वाले और कितनों को लूटा? अरे श्रवण, अपने पापा से मिले कि नहीं? क्या नौटंकी है, अभी भी एक्टिंग कर रही है? बता मेरी गाड़ी कहाँ है? मेरी कार चुराने वाली से ये बात क्यों कर रहा है? बेटे वाली, लिफ्ट देने वाली, लिफ्ट लेने वाला, सबके सब फ्रॉड है। और तू कपड़े चुरा के नंगा घुमाने वाला भी इनके साथ ही है। ए करण कैसा है? मैं बेहोश होने वाला हूँ, ऐसे कोइंसिडेंस मनमोहन देसाई की फिल्मों में भी नहीं होते। टकलू तो इधर ही आ रहा है। ए, अरे टकलू, तूने मुंडन करवाया है या तू बचपन से गंजा है? ए चोर चाची 420, तो तू गैंग लीडर है? हा? ना ना मैं हूँ। तू बैठ रहे? ओके। अरे बैठ जा। मैं इस शहर का सबसे बड़ा डॉन हूँ और तूने मुझे ही चूना लगा दिया। अब तू देख, तेरे बाल काट के तुझे टकली बना के बदला लूंगा। लगे हाथ मेरा भी शेव कर देना, लगता है टकला भड़क गया। चुपचाप मेरी कार से उतर, मैं वहाँ आया तो बहुत बुरा होगा। ए बद्री, क्या बिगाड़ लेगा ये गंजू? बद्री, मुझे गंजा बोला? औरत से क्या बात करता है, हिम्मत है तो मुझसे बात कर। पैदा होते ही अपनी माँ को निगल गया, तीसरी कक्षा में 3 बार फेल हुआ, गाड़ी चलानी तो सीख ली पर दादा को ही टपका कर मार दिया, शादी करने गया तो 70 लड़कियों ने तुझे रिजेक्ट किया, फाइनली गन की नोक पर तूने शादी की, गाड़ी की बैटरी का पानी पी गया तो गला खराब हो गया और अब कौवे जैसी आवाज आए। गाड़ी चलाना सीखा तो पुलिस वाले को उड़ा दिया और सीधा जेल गया, जेल जाके अपनी खुद की पहचान बनाई और शहर का डॉन बन गया। पहली बीवी छोड़ गई, दूसरी का कत्ल तूने कर दिया और अब तीसरी जाने की तैयारी में है। क्यों, सच कह रहा ना टकले? Am I right? वाह यार, खुद के बारे में इतना तो मैं भी नहीं जानता। तुम्हारे पापा को इतनी महंगी कार गिफ्ट करने वाली हाफ गर्लफ्रेंड यही लेडी है। अपनी अमानत को वापस लेने में कौन सी खराबी है? ये वही हाफ गर्लफ्रेंड है? यही है तेरे पापा का ओरिजिनल प्यार, तेरी माँ की बहन। चुप रह, पैर छू। छोटी माँ। छू। मासी मुझे माफ कर। बस 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 बस, इट्स ओके। मेरी प्यारी मासी, इतने दिन कहाँ थी आप, किन मुश्किलों में मैं जी रहा था, क्या आप जानती हैं अपने इस भांजे से मिलने क्यों नहीं आई? मैं एक अनाथ आश्रम चला रही हूँ। बुड्ढी ने फिर से नौटंकी शुरू कर दिया। ये उसी अनाथ आश्रम के बच्चे हैं, मतलब मेरे भी बच्चे हैं। मम्मी मुझे लॉलीपॉप चाहिए। घर चल के देती हूँ। मौसी आपको पहचानने में भूल हो गई। यू आर अ ग्रेट मौसी, प्लीज मेरे साथ घर चलिए, ना मत कहिएगा। हे बॉस, उस मौसी को छोड़िए, आपकी ओरिजिनल माँ यहाँ डिक्की में पड़ी है। जल्दी से नई कहानी बनाओ। मेरी माँ वहाँ कैसे हो सकती है? अपना दिल जरा मजबूत करके सुनो। क्या
वो तुम्हारी माँ है। तुम्हारे पापा उनसे बहुत प्यार करते थे। जब वो मरी तो उन्होंने उसे दफनाने से इनकार कर दिया और इसीलिए कार को ही उनका परमानेंट एड्रेस बना दिया। मैं इसीलिए तो वो कार लेके भागी थी वहाँ से। तुम मेरे दिल में एक बार झांक के देखो, कितनी ममता है तुम्हारे लिए मेरे मन में। माँ नहीं हूँ तो क्या, मौसी तो हूँ ना मैं तुम्हारी। बेटा मौसी, मैंने अपनी माँ की फोटो पहले कभी नहीं देखी। मम्मी, पहली बार मैं आपके दर्शन कर पाऊंगा। मम्मी जीते माताश्री। मम्मी, जन्म लेने के बाद आज पहली बार देखा है मैंने आपको। मेरे नसीब में कल का कैसा लिखा था। मम्मी चलो विजी, चलो संभालिए। मेरे बाप ने कभी इस बारे में नहीं बताया। वो लोग हमारी जीप लेकर भाग रहे हैं। उसमें उन्हीं का हक है। मेरे पापा की तरफ से मौसी को तोहफा है। मम्मी बच्चा। अरे मैं उस टकले को कुछ भी फेंक के जा रही थी और वो मेरी हर बात में हाँ कह रहा था। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, उसने मान कैसे लिया। हाँ, उसके बाप को डायरी लिखने का बड़ा शौक था। इसमें उसने अपनी और अपने बेटे की पूरी कहानी लिखी हुई। अभी अंडरस्टैंड किया, तो तुम उस दिन स्टोरी बुक के जैसा ये रीड कर रहे थे। स्टॉप इट। अब इसे क्या हुआ? क्या हुआ बीजी? अगर खाली हाथ गए तो वो मेरी बहन को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो वो कंकाल ले जाते तो क्या छोड़ देते? वो हमारा लुकआउट नहीं है। उन्हें जो बॉक्स चाहिए था हम दे देते। उसमें कंकाल था या खजाना, वो बॉक्स हम उसी कार में छोड़ा है। पराए लोगों की हेल्प करता हूँ। हाँ। अपनी होने वाली डॉटर इन लॉ की हेल्प नहीं करूंगा। हाँ। ये क्या है? ये डॉटर इन लॉ कौन है? अरे यार, मेरी इंग्लिश तुम्हारी जितनी अच्छी नहीं, समझा यार। तुम्हारी स्मॉल सिस्टर्स। सिस्टर इन लॉ। हाँ, वही वही। ओह गॉड। लेकिन कैसे बद्री? भरोसा रख, कल शाम को हम सब मिलकर उसके साथ आइसक्रीम खा रहे होंगे। ओके, अच्छी बात है। कल तुम तीनों जाना, फाइट शाइट करना और उससे बचा लाना। मैं तुम तीनों के लिए पनीर के पकौड़े बनाकर रखूंगी। पूजा अमावस्या से पहले होने वाली है, क्यों नहीं बताया? फ्री आउटगोइंग प्लान होने का क्या फायदा? और वो बॉक्स खोलने के लिए तुमसे किसने कहा था? मैं चले, मेरी मूर्तियां दे दे, मुझे जाना है। ए, थोड़ा साइलेंट रहोगे? अरे बॉस, उन्होंने डेट चेंज किया। पूरे गांव वालों ने हमें बॉक्स निकालते देख लिया और मारा मारी हुई और उसमें बॉक्स गिर गया। उसे खजाना कहते हो? बेचने जाएंगे तो लोहे का भाव भी नहीं मिलेगा। क्या किया आपने? एक कंकाल के लिए इतना झंझट, इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? जैसा तुमने कहा था मैंने ठीक वैसा ही किया। मेरा काम पूरा हुआ। अब मेरी बहन कहाँ है? अमो कहाँ? ये क्या गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही है? चुपचाप बैठ जा, मेरी बहन कहीं नहीं गई है। अमो बोला ना, चुपचाप बैठ। कहाँ है मेरी बहन? कहाँ रखा उसे? चुप रहने के लिए बोल रहा हूँ ना, बहरी है क्या? मैं दम है, माइंड ब्लोइंग।
तुम्हें पता भी है तुम किसके सामने खड़े हो? यहाँ मेरा राज चलता है। सर जरा जगह देंगे? अब इसकी हालत खराब। मरियल गुंडो को मार के खुद को 30 मार का समझ रहे हो? बॉस आपको सिर्फ वो कंकाल ही चाहिए ना? ए, सिर्फ वो कंकाल नहीं चाहिए, बॉक्स भी चाहिए। ये लाएगा तू साथ जा इसके। सुपर इंटेलिजेंट। ए, बॉस का ऑर्डर है, चलना ही पड़ेगा। ए, तुम अलग से इनविटेशन दूं, चलना। बद्री। ये यही रहेगी, बस कंकाल ले आओ और इसे ले जाओ। अगर इस बार कोई गड़बड़ हुई तो इसे मार के इसका भी कंकाल एक बॉक्स में डाल दूंगा। बद्री, मेरी बहन को बचा लो, तुम आखिरी उम्मीद हो। हेलो, कम मिस्टर रोमियो, काफी रोमांस कर लिया, अब जादू की झप्पी बाद में कंटिन्यू करना। ए, ले जाए इसे। ए, शाड़े, क्या कर रहा है? बॉस को उंगली नहीं दिखाते, समझे? बॉस, बॉक्स लेके ही कमिंग। चलो, चलो। बद्री, बद्री। इनसाइड, इनसाइड, ले जाओ अंदर। छोड़ो। मुझे इन पर भरोसा नहीं है आनंद, हमें भी इनके साथ चलना चाहिए। आपके दादा पर शक होने लगा है? खजाने के नाम पर एक कंकाल छोड़कर गए, आपके और आपके पापा को बेवकूफ बनाया है। गधा कहीं का, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। आखिर आपने उसे शूट क्यों किया? मेरे दादा ने अंग्रेज को बेवकूफ बनाया। हाथी के दांत में हीरे छुपा के उसे कंकाल का रूप दिया, एक बॉक्स में रख के मंदिर के पास गाड़ दिया। किसी के हाथ लगता तो भी वो समझ नहीं पाता, उसे कंकाल समझ के फेंक देता। अब तू ही बता, कौन है गधा, तेरे आदमी या मेरे दादा? आपके दादा तो बड़े ही शातिर निकले, ये बात आपको मुझे पहले ही बता देनी चाहिए थी। वो बॉक्स हाथ लगने के बाद मैं तुम्हें बताने ही वाला था। मैं भी वही सोच रही हूँ जो तुम लोग सोच रहे हो, इस कंकाल के लिए इतना जी का जंजाल क्यों? अरे मुनीश, किस इंसान का कंकाल होगा ये? बॉस के दादा का होगा जो उस वक्त के डॉन थे। अरे चुप रह, ये मामला कुछ और ही है, इसमें जरूर कोई राज है। बॉक्स का लेफ्ट राइट सेंटर सब देख डाला, लेकिन उसका वेट भारी है। वहाँ दो लोगों की जान खतरे में और तुम यहाँ उस बॉक्स की कीमत लगा रहे हो। अरे बद्री, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बॉक्स, 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 तेरी जान उस बॉक्स पर क्यों अटकी है? पूछो उसे। उस चपड़ गंजू से बॉक्स लाके उस डॉन के मुंह पे मार दे। लो कर लो बात, प्यार में पागल इंसान कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। माँ को कभी नहीं देखा, फोटो भी नहीं देखा, आज पहली बार देखा। माँ का प्यार नहीं मिला, दुलार नहीं मिला, ये टकला अनाथ हो गया। खुशकिस्मती से हुए आज दर्शन तेरे, धन्य बच्चा हो गया। पूजा तेरी करूँ मैं आज, आशीर्वाद दो माँ। मम्मी, मम्मी, देखा तुम सबने, इस साड़ी में मेरी माँ कितनी प्यारी लग रही है। ए, माँ सुंदर नहीं लग रही है, मेरी वो साड़ी इतनी सुंदर है। सास मर चुकी है तो भी इसे प्रॉब्लम है। मम्मी, इसे बाहर फेंको ना, उस भूतनी से डर लग रहा है। भूतनी वाली फिल्म देखी नहीं कभी? उसे देखने में तो मजा आता है, तो इससे क्यों डर रही हो? मम्मी, जो चाहो कर लो, लेकिन यही तेरी असली दादी है। लास्ट टाइम पूछ रही हूँ, इसे बाहर फेंकोगे या नहीं? वरना इसका सूप बनाकर सड़क के कुत्तों को ना पिलाया ना, तो अपनी माँ की बेटी नहीं। सुनो, तेरी बहू क्या बात कर रही है? तेरा सूप बना के कुत्तों को खिलाना चाहती है। क्यों रे, जिंदा सास को तो हर बहू टॉर्चर करती है, पर ये तो बेचारी मर चुकी है, फिर भी इसे टॉर्चर कर रही है। तू कभी अच्छी बहू नहीं बन सकती। अनाथ आश्रम के बच्चे कहाँ हैं? उन्हें साथ नहीं लाई? मौसी, मेरे घर में आपका स्वागत है। ये तो तांत्रिक का अड्डा दिख रहा है। मौसी बताइए ना, क्या लेंगी, गर्म चाय या कोल्ड कॉफी? कोल्ड क्यों, गर्म सूप दे दूं, 10 मिनट में हड्डियों का सूप बना लाती हूँ। ए चुड़ैल, तू अंदर जा। देखो मेरे पास ज्यादा समय नहीं है बेटा, अपनी बहन से मिलने आई हूँ मैं। उसे साथ ले जाऊंगी। माँ को साथ ले जाएंगी, क्या जरूरत है, यहाँ बड़े आराम से रखा है। अरे इसे उस मंदिर में ले जाऊंगी जहाँ मैं, ये और तेरे पापा जाते थे। मैं भी साथ चलूँ? सुनो जी, अभी कहीं नहीं जाओगे तुम, पापा को मरे 1 साल भी नहीं हुआ है, अभी मंदिर कैसे जा सकते हो तुम? ओ, बात तो करेक्ट है। अरे बेटा, तेरे पापा, माँ और मैं, परिवार की भलाई के लिए हम तीनों जाते थे।
वहाँ खास पूजा करते थे बेटा, और वही पूजा फिर से करने के लिए मैं इसे साथ ले जाऊंगी। माँ के साथ पूजा करेंगी? मैं भी साथ चलूंगा, मैं भी पूजा करूंगा। अरे अरे, पूजा करूंगा क्या सिद्ध कर रहे हो? मैं हूँ ना, पूजा कर लूंगी। हाँ, मैं भी साथ आऊंगा, वरना मेरी माँ भी नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। मासी की बात नहीं सुनते, तुम आज्ञाकारी हो, मैं यही समझती थी। बिल्कुल माँ वाला प्यार। इस थप्पड़ का सालों से इंतजार था, ऐसा लगा जैसे माँ ने ही मारा। प्लीज मेरी माँ को अपने साथ ले जाइए। शुक्र है मेरी बहन। टच माँ उसे। माँ को ड्राई क्लीन करके फिर कार में ले जाना। पूजा का टाइम हो रहा है, अपना ख्याल रखना, खुश रहो। बाय बच्चों। बाय। अरे श्रवण, नई कार ली क्या? हाँ आंटी जी, वो दहेज में मिली है। संभाल के रखना। ए फ्रॉड, यहाँ कैसे आई? ओए करण, व्हाई यू स्टॉप देयर? अरे मैं आप ही के पास आ रहा था। मिलते हैं। अन्ना जी, वो फ्रॉड आपकी कार क्यों लेके गई? ए, खबरदार, जो मेरी मौसी को फिर से फ्रॉड कहा, जान से मार दूंगा। बॉस, किसी भी एंगल से ये आपके रिश्तेदार नहीं लगती। ए, डुप्लीकेट, वो माँ का ख्याल रखने वाली देवी है। बॉस बॉस, ये देखो, मासी अपनी पूजा की थाली भूल गई है। अरे बाप रे, इसके बिना वो दोनों पूजा कैसे करेंगी? भगवान भी चालाक है, मुझे ये मौका दिया। इंस्पेक्टर, मैं सिद्ध कर दूंगा कि मेरी मौसी फ्रॉड नहीं बल्कि एक देवी है। ओनली ऑन वन कंडीशन, मैं मंदिर में नहीं जाऊंगा। आज नहाए नहीं क्या? आप, मैं पापी हूँ, मंदिर की सीढ़ी कैसे चढ़ूंगा? मैं गलत हूँ तो मेरी गर्दन काट देना। चलो। ओके, चलो। चलो। हेलो, कौन? हाँ, हम लोग वही आ रहे। गाड़ी हवा में उड़ाओ। मौसी, तुम पूजा की थाली भूल गई। मौसी! ए भाई साहब, आपकी कार की डिक्की खुली है। माशा, गाड़ी भगा। मैं तुझे ही ढूंढ रहा था, उसको बोल गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। क्या रे मोटू, देसी कट्टे का रुबाब दिखाता है ये? अरे जा, इसकी जरूरत नहीं है। जो भी है, मेरा बॉस है वो। वो हमें शूट कर रहा है। और यू लॉयल भी शूट? थोड़ी देर मुंह नहीं बंद रख सकते थे तुम? ये वो लोग भाग रहे। स्पीड बढ़ा, स्पीड बढ़ा, जल्दी जल्दी। है कौन गधा रास्ता ब्लॉक कर रहा है? आपकी मौसी ने हमारी तरह इस कार वाले को भी लूटा होगा। कोई लूट वूट नहीं है, मौसी के अनाथ आश्रम का कोई बच्चा होगा। टकला हो गया, लेकिन दुनियादारी समझ में नहीं आती, उनसे ही सच का पता करते हैं। माशा, गाड़ी भगाओ, वरना तुम्हारा टकला भांजा हमें कंकाल बना देगा। अरे इस तरफ आजा, वो गोली चला सकता है मुझ पर। गोली मुझे लगेगी तो तुम्हें चलेगा। अरे वो फिर से उल्लू बना के निकल जाएगी, जल्दी भगा। अरे भगा रहा हूं ना। बॉस, पूजा की थाली गिर गई, अब मासी पूजा कैसे करेगी? रॉन्ग की कहीं का, जल्दी से उसे ले आ। गो 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 गो। सुन बुड्ढी, बहुत होशियार है, वो लेफ्ट मोड़े तो तू राइट मोड़ना, राइट मोड़े तो तू लेफ्ट मोड़ना। हाँ समझ गया। बहुत नियरिंग पहुंच गए। गो 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 गो। अब मेरी ड्राइविंग देखना। अरे जंगल में क्या ले जा रहे? गाड़ी रोको, स्टॉप स्टॉप, स्पीड लिमिट से ऊपर हो, कहाँ जा रहे हो? पीछे पेशेंट है, हॉस्पिटल ले जाना है, जल्दी गेट खोलो प्लीज। वो कहाँ है? दोनों हट्टे कट्टे लग रहे हैं। यही है पेशेंट, हर एक मिनट बाल झड़ते जा रहे हैं इसके, बहुत जल्दी कच्चा हो जाएगा। जल्दी से रास्ता दो। अरे गेट खोलो, गेट खोलो। मैं टकला हो जाऊं, इनको जाने दो, मुझे हॉस्पिटलिंग चाहिए। ऐसी इमरजेंसी पहली बार देखी। वो औरत कौन है? मुझे तो लगता है कि उस लड़की की मां है जिसे हमने पकड़ के रखा है। ए, किसे ले आया? आपने अपने पास गिरवी रखी है ना, वो लड़की उसी की मां है। ओ माँ हो, माँ। हाँ, मैं माँ हूँ, मेरी बच्ची। अरे बहन ही बना देता, मेरी प्यारी बेटी। गला फाड़ के क्यों चिल्ला रही है?
की दुदाई में पागल होके उसी का नाम पुकार रही क्या? रुको वहाँ के बताता हूँ। अच्छा ए वही रुक, पहले बॉक्स लेकर आ, लड़की ऊपर है। बात तो सुनिए ना, पहले बॉक्स दे, बाकी सब बाद में। बॉक्स नहीं तो जा यहाँ से। चलिए तो बता मेरी पुत्री कहाँ है। चलो इस भंगार के लिए लड़की को किडनैप किया। अरे वाह 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 वाह, साबित कर दिया कि तू मेरा वफादार है। हर काम परफेक्टली करता है बॉस। क्या? हाँ ट्रिगर दब जाए, उससे पहले लड़की को छोड़ दो। मुनेश हाँ, तुझे छोटे भाई जैसा माना, खुद से ज्यादा तुझ पर भरोसा किया। राम जैसे भाई को लक्ष्मण पिस्टल दिखाएगा? बोल। राम नहीं रावण है तू, जाओ सिस्टर्स को लेकर आओ। बुलेट प्रूफ जैकेट पहना है, अगर गोली मारनी है तो सिर में मार। कम ऑन शूट। बिना होशियारी दिखाए उन दोनों को छोड़ दो। ए, उन दोनों को ले आओ। छोड़ो मुझे, छोड़ो। विजी, बद्री, विजी, हम तुम्हें लेने आए हैं, नीचे आओ। आंटी, हमें प्लीज इन लोगों से बचाइए। अरे अब क्या करें? ए मुनेश, भाड़े की माँ कहाँ से लेकर आया? हेलो, बकवास बंद करो, नीचे बोला। ए, छोड़ना मत, अंदर लेकर जा। माशा, ए, आंटी, बचाओ। ए, आगे बढ़े तो गोली मार दूंगा। ए, तू मेरा आदमी है ना, इन लोगों ने तुझे बहका दिया है। ए मुनेश, एक बार फिर सोच ले, क्या कर रहा है? उलझा रहा है। तू मुझे मारेगा तो अपने खून बहेगा ना, अपने बड़े भाई को क्या रहा है? गोली ठोक। ए चुप कर, तूने तेरे बॉस को मारा क्या? आखिर ये मेरे बॉस है। ये ड्रामा कर रहा है, गोली मार। हाँ शूट कर दूंगा, गोली मार, शूट कर, शूट कर, शूट कर। कोई डॉल नहीं बचेगा, कोई भाई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। मार मार, गोली मार, मार मार, गोली मार मार मार। ए बद्री, टेक्निकल मिस्टेक, ये ऐसा क्यों डूइंग? खिलौने से डरा रहा था, अब तू ही डील कर ले, मैं बाहर वेट करता हूँ। ए ऐसा क्या कर रहा है? ए ए आशा, नीचे आ जाओ। मेरे शूटर, तेरा साथी तो चला गया, कल ही तेरी तारीफ कर रहा था और आज कंधे पे चढ़ के। नो 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 नो, वेरी बैड। ए, इसको खर्चा पानी देने का? नो खर्चा पानी, होटल में जाके पानी पी लूंगा, मुझे सॉरी कर दो बस। ए पकड़ो उस जोकर को जल्दी। बद्री, पकड़ो इसे, जल्दी खोलो। आपके दादा का बनाया हुआ डायमंड नेकलेस। बद्री, ए 12 की उम्र में मैंने अपने भाई को मार दिया था, 15 की उम्र में टीचर को टपका दिया, 30 की उम्र में अपने छाले को। इतिहास की किताब बंद कर और जो काम करना है वो कर। अरे करता हूँ। ए बद्री, बता बता मूर्तियाँ कहाँ है, वरना शूट कर दूंगा, जल्दी बता। रॉन्ग आदमी से पूछा, तुम लोगों को कुछ पता नहीं क्या कर रहे हैं, वो जो कंकाल है ना डायमंड से भरा हुआ है। अच्छा खासा वजन है, चल तुझे सैर करा के लाता हूँ, चल आ जा। चले जीजा। अरे इस फुकरे को छोड़ो और उन दोनों को पकड़ो। बद्री, लड़की सच बोल रही है या फेंक रही है? अबे क्या सवाल जवाब में लगा है, चल जाके उन दोनों को पकड़ दे, चल। ए, चलो चलो। अबे सालो, 12 की उम्र में मैंने अपने भाई को चपका दिया था, 15 की उम्र में टीचर को। छोड़ो मुझे। ए, इसकी टांग निकाल। छोड़ो मुझे। ए, इस छोड़ो मुझे। चोरों को भगाने का पुतला ही है। छोड़ो मुझे। छोड़ो। बारह घंटे की नहीं, हड्डी बहुत मजबूत है। भगवान मम्मी।
मम्मी, मेरी मम्मी को क्या कर दिया? मम्मी मेरी है। अरे क्या कर दिया इसे? अरे तुम्हारी मम्मी कहाँ से आ गई? अबे इसमें हीरे तू कहाँ से आ गया टकले? मेरी माँ किसी हीरे से कम नहीं थी। अबे कैसी माँ कैसे हीरे? मरने के बाद भी उसे चैन से जीने नहीं दिया। छोड़ो उसे माँ, मेरी माँ को तकलीफ मत दो। 8 सालों तक बेचारी कार की डिक्की में पड़ी रही थी। अरे पकड़ो इसे, बल्कि इसे अपनी माँ समझ रहा है। हेलो कंट्रोल रूम। छोड़ दे उसको, सच्ची बता, छोड़ इस कंकाल को। उसका क्या कनेक्शन है? डीप कनेक्शन है। अरे दो मुझे, ये टूट जाएगा। छोड़ो कंकाल है। या मुझे छोड़। क्या किया? अरे जल्दी चलो, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। जल्दी आओ, जल्दी 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 चलो, बैठो। माशा मैं सेल्फ के लिए एक पीस लग रहा हूँ। अरे वहाँ पुलिस आ गई है, तुझे सेल्फी की पड़ी है? मेरी मम्मी की हड्डी पर मेरे को हीरे। चलो 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 जल्दी निकलो। अरे चलो करो, टाइम नहीं है। जल्दी 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 चलो, घर चलो प्लीज। चलो कल शाम को डीएसपी करण ने कंकाल के अंदर करोड़ों के डायमंड्स को स्मगल करने वाले 3 गैंग्स को रंगे हाथ पकड़ा। वरिष्ठ अधिकारियों को इस बाबत सवाल किए जाने पर उनके जवाब सुनिए। सबसे पहले मैं डीएसपी की कामयाबी की प्रशंसा करना चाहूँगा। तीनों में से एक गैंग का लीडर मेक्सिको से है, बाकी दोनों स्टेट के लोकल गैंग हैं। हाथी के दांत से बनाए कंकाल के ढांचे की सारी खोखली जगहों पर एक एक करोड़ के हीरे छुपाए गए थे। सभी डायमंड्स की एग्जैक्ट कीमत क्या है उसे आंकने में एक्सपर्ट्स को कम से कम 2 दिन लगेंगे। जैसे ही हमको कोई खबर मिलेगी हम आपको बता देंगे। एक एक इंच में एक एक करोड़ के हीरे, हमने उसे ऐसे ही कमा दिया। माशा, ए माशा, अब मुंह फाड़ के टीवी देखने से क्या फायदा? हमारे हाथों में अरबों रुपए आने के बावजूद हम भिखारी रह गए। अबे रोना बंद कर, हमारी माशा कमिश्नर के ऑफिस में जाके उसे उड़ा लेगी। ठीक कह रहा ना माशा, उड़ा लोगी ना? उड़ा लोगी ना? खराब हो गया, कमिश्नर के ऑफिस भेजोगे? छोटी मोटी चोरियां की है मैंने सिर्फ पॉकेट मनी के लिए। तुम लोगों की वजह से बड़े झमेले में पड़ गई इस बार। पिछली बार किस्मत अच्छी थी जो बच के निकल गई। बस बहुत हो गया, अपने पाप धोने के लिए 4 धाम की यात्रा करने जाऊंगी अब। वाह, तुम लोग जाओ, जस्ट लीव। 4 धाम की यात्रा? बिल्कुल, निकलो यहाँ से। तुम सच में सीरियस हो? यस। क्या माशा, तुमने कहा था कि हम सब फैमिली बन के रहेंगे और करोड़पति बनने की उम्मीद थी। इतनी जल्दी हार नहीं मानते, कह दो कि ये जोक पोक है। मैं कोई जोक नहीं मार रही, मैं सीरियस हूँ। फुटो यहाँ से। ठीक है, तुम दोनों जाओ, मैं माशा के पास ही रहूंगा। तुम तो माफ ही करो, तुम्हारे साथ रही तो एक दिन इंटरनेशनल डॉन बन जाऊंगी मैं, और अगर अंदर हो गई ना तो बुढ़ापे तक मैं वहीं सड़ती रहूंगी। ऐसा नहीं होगा। ए बद्री, इसे कहो ना मैं इतना बड़ा थीफिंग नहीं हूँ। माशा मुझे अपने बेटे जैसा ही समझो। मुझे भी अपने साथ ले चलो। अपने पाप खुद ही ड्राई क्लीन करो, तुम्हारे साथ मेरे पाप भी धुल जाएंगे। जरा खुद को देखो, ये करने की उम्र नहीं है तुम्हारी। मेरे साथ चलने के चक्कर में अपनी जवानी क्यों बर्बाद कर रहे हो? समझ गया, तुम्हारे लिए हम अनाथ हैं। हाँ हाँ यही बात है, ऐसी हूँ मैं। ज्यादा भाव मत खाओ, हम जा रहे हैं। इस मतलबी से भी कोई मतलब नहीं है। ये हमें धक्का देकर यहाँ से निकाले, इससे पहले हम लोग खुद ही यहाँ से चले जाते हैं। डोंट वरी, मैं हूँ। मुनीश कम ऑन, इसे यहीं छोड़ देते हैं। हम लोग अपनी टीम के लिए किसी और को ढूंढेंगे। पता नहीं क्या समझ रखा है। हे बद्री, हे माशा, तुम्हें चिकनगुनिया हो गया है और वो हमें ना लग जाए इसलिए तुम हमें यहाँ से भगा रही थी ना? अबे जा ना बद्री। कमंडी खड़ूस। हम्म,
बादशाह हम जा रहे हैं। हाँ हाँ माशा गाड़ी में बैठ गए। हाँ जाओ जाओ। ए थोड़ा साइड हो जा। सो मच प्राइड। यहीं पर तो थी, कहाँ रह गई? अमो अमो जल्दी आओ, ये आंटी हमें पसंद नहीं करती। अमो अमो ऊपर क्या कर रही हो, जल्दी आओ ना। रुको आ रही हूँ। माशा आंटी ये आपके रूम में था। इधर देखो पत्री। अरे जल्दी आओ जल्दी। अरे वाह लाइफ सेट हो गई मेरी। तारे जल्दी आओ जल्दी आओ। माशा ये गलत है तेरी भाषा, ये तो बहुत गलत बात है। हाँ? हमें तो बताओ नहीं। उठाओ इसे। ओह ए उठाओ उठाओ। डीएसपी करण को आउट ऑफ द टर्न प्रमोशन दे रहे हैं। ही इज नाउ असिस्टेंट कमिश्नर। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर। व्हाट इज दिस? एसीपी करण को 6 महीने के लिए सस्पेंड किया जाता है। जब से आप इस गांव के मुखिया बने हैं कोई भी पूजा सफल नहीं हुई है, आपको निर्वस्त्र पूजा करनी पड़ेगी। ये कपड़े फिट नहीं हो रहे, नए कपड़े चाहिए। जेल के डिजाइनर को लेके आ। ए, इसमें दूसरा कलर दे। डंडा मार के सर फोड़ दूंगा। ए, मुझे मारेगा तू? 12 साल की उम्र में टॉफी छीनने पे अपने भाई को मारा, 30 की उम्र में अपने छावे को मारा, छावे के ऊपर भगाने वाले को मारा, उसके बाप को मारा, बाप के बाप को मारा। जानता है तू किससे बात कर रहा है? अपन बहुत बड़ा इशारा है क्या? ए, तेरी स्टोरी खत्म हो गई? तो हम लोग ये कपड़े पहन ले। अबे ए, मुझे फिट नहीं हो रहा है ना। ए, इसे चुपचाप पहन ले नहीं तो बाकी के कपड़े भी उतार दूंगा। सर हम वैसे लोग नहीं है। अबे गेंडे उस धंधे में बहुत पैसा है रे। चुप कर, तेरी समाज में इज्जत नहीं है लेकिन अपनी बहुत है। अरे इज्जत की तो धज्जियां उड़ गई। धज्जियां जिलर साहब ये पागल हो गया। जेल में भी पहुंच गया। इसको जेल में डालो ना प्लीज। एक मूर्ति लाने बोला था उतना भी नहीं कर पाया। मुझे पागल बोल रहा है, मुझे पागल बोल रहा है तुम लोग। अबे मेरी प्यारी मौसी, प्यारी मौसी, प्यारी मौसी, मेरी प्यारी मौसी। बाहर आओ बद्री।